मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रेक्टेंगल। आज हम रेक्टेंगल के बारे में पढ़ेंगे कि रेक्टेंगल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये डायग्राम है, ठीक है। रेक्टेंगल जो होता है वो एक तरीके का पैरेललोग्राम ही होता है, लेकिन इसमें क्या कंडीशन होती है कि इसके जो हर एंगल होता है, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री। तो रेक्टेंगल में हर एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। ये फिगर में क्या है? और अपोजिट प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं इसकी कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, यानी कि एस पी इक्वल होगी आर क्यू के और एस आर इक्वल होगी पी क्यू के। और इसकी प्रॉपर्टी होती है डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ये जो डायगोनल्स हैं इसके पी आर और क्यू एस, ये आपस में इक्वल होंगे। जब आपस में इक्वल होंगे तो हम ये भी कह सकते हैं ओ पी इक्वल होगा ओ आर के और ओ एस इक्वल होगा ओ क्यू के। ठीक है, और ईच एंगल इज अ राइट एंगल और हर एंगल 90 डिग्री का होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। स्क्वायर को भी हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं, इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री और हर एंगल 90 डिग्री का होता है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं स्क्वायर की? प्रॉपर्टी होती है कि ईच एंगल ऑफ अ राइट एंगल, हर एंगल 90 डिग्री का होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। डायगोनल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पर और क्या होते हैं? बाइसेक्टर होते हैं एक दूसरे के, यानी कि ए बी ये सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं, ईच एंगल 90 डिग्री का हो और ये यहाँ पर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर हो सकते हैं, होते हैं और बाइसेक्टर भी होते हैं, यानी कि ओ डी और ओ बी आपस में इक्वल हैं, ये भी आपस में इक्वल होंगे, ओ डी इक्वल होगा ओ बी के और ओ ए इक्वल होगा ओ सी के और ये चारों भी आपस में इक्वल होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। रोम्बस को भी हम पैरेललोग्राम कहते हैं। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है विद ऑल फोर साइड्स इक्वल, इसकी सारी फोर साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है, बट एंगल इक्वल नहीं होते हैं। अगर एंगल इक्वल हो जाएंगे, ईच एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। रोम्बस में क्या होता है? केवल साइड्स इक्वल होती हैं, एंगल्स आपस में इक्वल नहीं होते हैं। प्रॉपर्टी क्या है इसकी? ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की शेप कैसी होती है और ट्रेपेजियम क्या है? ट्रेपेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल। ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल होता है विद वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, उसका एक पेयर साइड्स का पैरेलल होता है, ठीक है। ये इसमें ये फिगर दे रखी है ट्रेपेजियम।